मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और मैं एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन। अच्छी नींद ली जो मैं काफी टाइम से ले नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सोते नहीं। जी, मैं झांसी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम नासिर अहमद है। मुझे सिर्फ स्लिप डिस्क की परेशानी है। ये परेशानी लगभग 2 साल पहले करीब हुई थी। हल्की सी शुरुआत हुई थी, तब मैं समझा कि जनरली कि जो है ये कमर का दर्द है और ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ती गई और जो है मैंने उस पर इतना गौर नहीं किया। तो आज मतलब इस टाइम तक, फिर मैंने 1 साल पहले एमआरआई कराया तो उसमें मेरी L4 और L5 में डिस्क लेवल इतना ज़्यादा कम था कि 6 mm जगह बची हुई थी कम से कम बस। और फिर मैंने फिजियोथेरेपी भी की, उससे भी आराम नहीं मिला। फिर मैंने जो है नेट पे सर का नंबर देखा और सर का नंबर पे फ़ोन किया, तो सर को बात किया। सर से बात करके काफ़ी अच्छा रिलीफ लगा। मुझे पता चला कि मेरी परेशानी दूर हो सकती है, जो कि मैं सोच रहा था कि अब ऐसे ही रहेगी। तो मैं आज यहाँ पे OT कराने आया हूँ। मैंने दोबारा भी MRI कराया है, उसमें मेरी स्थिति और ख़राब हो गई है। अब मैं यहाँ पे MRI कराने आया, ऑपरेशन कराने आया हूँ यहाँ पर, जो कि एंडोस्कोपिक सर कर रहे हैं, और देखता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मैं ही खूब आशा करूँगा मैं अच्छे से अच्छा हो जाऊँ। सर्जरी से डर लग रहा है क्या? जी सर, सर्जरी से डर लग रहा है? हाँ, ऑब्वियसली डर तो लगता है सर सर्जरी से, ये तो नहीं कहेंगे नहीं लगता, लेकिन बेटर वो कि जो मैंने सुना था कि ओपन होती है और वो स्पाइन को काटते हैं, वो उससे आपको डर नहीं लग रहा मुझे? वैसे डर तो लग ही रहा है, लेकिन इतना नहीं लग रहा। बाकी मैं आपका अपना एक्सपीरियंस ऑपरेटिंग के बाद शेयर करूँगा। अच्छा, ये बताइए कि घर वालों ने क्या बोला इसके बारे में? घर वाले पहले मना करते रहे, बोले कि मत कराओ, ये मतलब जितना चल रहा है उतना चल नहीं पाओगे और आपकी नर्व्स और बैठ जाएगी। तो फिर जब देखा कि मतलब चलने में वैसी परेशानी हो रही, सुबह सो के उठता हूँ तो फिर ऐसे पकड़ के, हाथ पकड़ के, दीवार पकड़ के सहारे तो टॉयलेट जाता हूँ। और जब मैं खुद लैब टेक्नीशियन हूँ और वहाँ से लौट के आता हूँ तो फिर थोड़ा लेट लिया आधे 1 घंटे, तो फिर उठना परेशान हो जाती। मतलब रात में अगर 9-10 बजे में उठना चाहूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है उठ के जाना, और बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ। मैं वो करता हूँ कि बात अच्छा होगा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको OT के बाद शेयर करूँगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। कल मेरा ऑपरेट हुआ, जिससे कल एक वीडियो शूट किया गया था मेरे ऑपरेट के पहले। तो ऑपरेट के पहले काफ़ी समस्याएं थी, मैंने कल आपको बताई थी। और जबकि मेरा OT हुआ था कल शाम को, वही 8 बजे करीब स्टार्ट हुआ था और 2 घंटे में लगभग पूरा हो गया था। उसके बाद से मैंने रात भर रिलीफ किया और एक पूरी अच्छी नींद ली, जो मैं काफ़ी टाइम से ले नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सोते में मुझे दर्द होता था स्पाइन में, और अगर मैं थोड़ा सीधा सो गया, फ्लैट सो गया, तो मेरी जो स्पाइन में है वो झंझनाहट, पैर में झंझनाहट होती थी। लेकिन कल डॉक्टर साहब ने जैसे बोला था कि आप फ्लैट सोइएगा, थोड़ी कमर मतलब साइड से ना सोइएगा, क्योंकि कल सर्जरी हुई थी। तो कल मैं रात भर फ्लैट सोया, लेकिन मेरे पैरों में झंझनाहट नहीं आई, सबसे बड़ी बात। और मैं आज सुबह उठा, सुबह उठ के मैंने ऊपर से नीचे आया और चला फिरा भी हूँ, और काफ़ी अच्छा बेटर फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समस्या से बहुत 2 साल से परेशान था, लेकिन आज मुझे लग रहा कि मैं फिर से नया अपना जीवन शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा चल नहीं पाता था, मैंने कल भी आपको बताया था शादी वगैरह में जाना है तो खड़े होकर मैं मुझे चेयर कहाँ है। और काफ़ी समस्याएँ होती थी, जैसे कि मैं बाइक चला रहा हूँ तो बाइक चलाने के बाद जब मैं बाइक से उतरता था तो झंझनाहट सी आती थी, और सुबह उठने में दीवार के सहारे जाता था। तो अभी मैं ये सब मेरे साथ अभी बिल्कुल नहीं हो रहा, और मैं काफ़ी अच्छा फील, मतलब मेरे साथ ये समझ लीजिए 70-80% अभी रिलीफ है। और इसी रास्ते ने बताया कि नेक्स्ट 1 या 2 वीक में पूरा 100% आराम मिल जाएगा इसके। तो मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ डॉक्टर देवाशीष शर्मा जी का, जिन्होंने इतना अच्छा ऑपरेट किया। और ये नहीं कहूँगा कि दर्द नहीं हुआ, दर्द देखिए थोड़ा बहुत दर्द तो होगा, ये मैं कह दूँ, झूठ बोल दूँ कि नहीं दर्द नहीं हुआ, हल्का फुल्का दर्द होगा, लेकिन बेटर ये है कि आप ओपन ना करा के एंडोस्कोपिक कराएं। एंडोस्कोपिक में ये, मैं खुद एक लैब टेक्नीशियन हूँ, एंडोस्कोपिक में ये नर्व काफ़ी सेफ रहती है, ओपन से काफ़ी सेफ है, ये ओपन से काफ़ी सेफ है। थैंक यू डॉक्टर देवी शर्मा सर।